पारू ने बताया अपना असली नाम अपने पापा को। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा, भाग्य लक्ष्मी का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली पारू ने बता दिया है अपना असली नाम अपने पापा ऋषि को। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ ये, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली पारू और रोहन दोनों के दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो वही एक तरफ वहां पर ऋषि पहुंच जाता है। जी हाँ, ऋषि वहां पर पहुंचने के बाद फाइनली उन दोनों को खाना खिलाने लग जाता है, यानी कि पारो और रोहन को खाना खिलाने लग जाता है। तो वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो पारो होती है वो अपना असली नाम बता देती है। जी हाँ, और वो बोलने लग जाती है कि गांव में एक आंटी थी, उन्होंने मेरा असली नाम मेरा नाम पार्वती रख दिया था। जी हाँ, वेल मेरा शॉर्ट फॉर्म है पारो और मेरा का पूरा नाम है पार्वती। जी हाँ, ये सुनने के बाद जो ऋषि होता है एकदम शॉक में पड़ जाता है। वेल वो शॉक में इसलिए पड़ता है क्योंकि वो अपनी बेटी का नाम पार्वती रखने वाला था। जी हाँ, और ये बात किसी और को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ही पता थी। वेल लक्ष्मी के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जी हाँ, और फाइनली ये बात सुनने के बाद जो ऋषि होता है एकदम शॉक में पड़ जाता है, और फाइनली उसको थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है और पारो मेरी ही बेटी है। जी हाँ, उसको ऐसा लगने लग जाता है। जी हाँ, वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा, भाग्य लक्ष्मी का। वेल वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, और पारो ऋषि कैसे पता करेगा कि पारो किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी है, कैसे पता करेगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्यूरी वगैरह हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय।